नमस्कार साथियों, दैनिक भास्कर इंदौर प्लांट से आज हम जानेंगे मनोग्राफ में एक यूनिसेट फोल्डर के बारे में, जिसका रेशियो है 2:3:2। दो कटिंग ब्लेड हैं, 3 टक्कर ब्लेड होती हैं और 2 ग्रिपर होती हैं, और इसकी स्पीड है 45,000 पर आवर। एक बार में यह फोल्डर 9 वेब पुल कर सकता है, लेकिन हम इस पर अभी 7 वेब पुल कर रहे हैं। तो आज हम जानेंगे इस प्रिंटिंग के पहले पेपर इंसर्ट होने और पेपर एग्जिट होने तक की प्रक्रिया और सेटिंग्स के बारे में। पेपर फोल्डर में आता है इस आरटीएफ रनर और आरटीएफ रोलर के बीच में आता है। आरटीएफ का फुल फॉर्म होता है रोलर टॉप ऑफ फॉर्मर, क्योंकि यह फॉर्मर के ऊपर होता है रोलर। और सबसे पहले हम उसके बाद जब पेपर आरटीएफ रोलर पे आ जाता है, तो आरटीएफ रनर को पेपर की चौड़ाई के हिसाब से उसको सेट करते हैं। 24 इंच का पेपर हो तो 24 इंच पे सेट करते हैं, 26 का हो तो 26 पे करते हैं। और सेट करते समय इस चीज़ का पूरी तरह ख्याल रखते हैं कि अखबार के नॉन इमेज एरिया पर रनर को आना चाहिए, ताकि सेटअप ना आए पेपर पर। फिर उसके बाद रोलर, आरटीएफ रोलर और आरटीएफ रनर के बीच की सेटिंग हम करते हैं 8 mm के एलएनकी से। इन दोनों के बीच की सेटिंग 8 mm की होती है। फिर उसके बाद पेपर ट्रैवल करते हुए फॉर्मर के थ्रू इन दो रोलर के बीच में आता है। इन रोलर का नाम है सीट गाइड रोलर, क्योंकि ये सीट को गाइड कर रहा है। इस गाइड रोलर का काम यही है कि पेपर सारे वेब को एक साथ अलाइन करने के लिए होता है, सेंटर एक साथ मिलाने के लिए। और अगर किसी एक पेपर का अगर सेंटर अगर आउट है, तो टावर पे दिए गए सेंटर ब्लॉक के थ्रू हम उस फोल्डर के उस पेपर का सेंटर ले लेते हैं। और इस रोलर को सेट करने के लिए इन दो नॉब का यूज़ करते हैं, एक आगे दिया है और दो पीछे दिए रहते हैं। इन दोनों के थ्रू इस पेपर का अलाइन कर सकते हैं। फिर यहाँ से पेपर निपिंग रोलर और निपिंग रनर के बीच से गुजरता है। निपिंग रोलर और निपिंग रनर पेपर का सेंटर स्टेबल रखने के लिए इनका यूज किया जाता है। और इसकी सेटिंग हम करते हैं 0.5 के फिलर गेज से करते हैं। और क्योंकि ये न्यूमेटिक होने की वजह से, अगर रनिंग में कोई सेटिंग हमें कम या ज़्यादा करनी हो, तो हम एयर प्रेशर रेगुलेटर के थ्रू उससे हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर उसके बाद पेपर जाता है कटिंग सिलेंडर और टक्कर सिलेंडर के बीच में। कटिंग सिलेंडर पे जो लगी हुई कटिंग ब्लेड्स हैं, वो पेपर को कट करती हैं। और टक्कर ब्लेड पे जो लगा हुआ पिकर पिन है, या नीडल पिन जिसे बोलते हैं हम, वो पेपर को खींचने का काम करता है। कटिंग ब्लेड की हाइट होती है 58.5 mm। उसके बाद जब पिकर पिन पेपर को आगे खींच के ले जाता है, टक्कर ब्लेड पकड़ के उस कॉपी को कैम सेटिंग के द्वारा उसे ग्रिपर ब्लेड को पकड़ा देता है। अब पिकर पिन ने पेपर को पुल कर लिया है, खींच लिया है। उसके बाद ये टक्कर ब्लेड है, इस टक्कर ब्लेड की हाइट होती है 18.5 mm, और यह काम करता है इन कैम के थ्रू। यहाँ दिए गए कैम हैं, इनके थ्रू ये ओपन और क्लोज होता है। ये टक्कर ब्लेड कॉपी को ग्रिपर जॉ में इंसर्ट करता है इन कैम की सेटिंग के द्वारा। जब ग्रिपर ने कॉपी को पकड़ लिया है, कॉपी को पकड़ने फिर ग्रिपर ब्लेड कॉपी को पकड़ के इन 3 ड्रॉपिंग बेल्ट के सहारे लाके छोड़ता है। और इन तीनों बेल्ट की सेटिंग की जाती है प्रिंटिंग चालू होने के पहले, फोल्डर रनिंग होने के पहले। फिर उससे इन दो डायल से उन दो बेल्टों की सेटिंग होती है, तीनों बेल्टों के, ताकि पेपर राइट एंगल में सही तरीके से बकेट व्हील में आ सके और अपना फोल्डर जाम ना हो। और अब अपना फोल्डर चलने के लिए तैयार है। आपको यूनिसेट फोल्डर के ग्रिपर सेटिंग के बारे में बताऊंगा, जो कि इस फोल्डर को खास बनाता है। यह सेटिंग इसलिए की जाती है ताकि ग्रिपर के कारण पेपर में जो दबाव बनता है, उससे पेपर के अंदर वाले पेज में सेटअप आता है, उससे कम या पूरी तरह खत्म किया जा सके, जो कि इस दिए गए बोल्ड की मदद से कम या ज़्यादा किया जाती है। मतलब कि अगर 4 पे चल रहे हैं तो ग्रिपर सेटिंग को कम करते हैं, और उससे अधिक पे चल रहे हैं तो उसे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि 4 पे चले तब हमें यह सेटिंग 0 पर रखनी है, और जैसे जैसे पेज लेवल बढ़ता है, इससे इस बोल्ट की सहायता से ग्रिपर जॉ की सेटिंग को बढ़ाया जाता है। फोल्डर चलने के लिए तैयार है। और रनिंग में जब पेपर में ओवरलैपिंग या अंडरलैपिंग आती है, तो हम इस हैंडल के थ्रू उसे एंटी क्लॉक या क्लॉक वाइज जैसी रिक्वायरमेंट होती है, उस तरीके से हम इसको हैंडल को घुमाकर सेट करते हैं। और इसके अंडरलैपिंग और ओवरलैपिंग की
जो दिक्कत है हम उसे दूर करते हैं और कॉपी में अच्छी से अच्छी कॉपी जाए इसकी पूरी तरह ध्यान रखते हैं। फोल्डर से सेटर आउट ना होना, कोई सेटअप ना आए और अंडरलैपिंग या ओवरलैपिंग ना हो अखबार में, इसका पूरी तरह ध्यान रखते हैं। और मैं इतना सब बता के अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भास्कर।